Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 4.4, that is a Matt Tea Party. So students, in this video we are going to see question answer this chapter. So already bana hua tha but वो थोड़ा ब्लर था, तो बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आपको दूसरा वीडियो चाहिए, क्लियर वीडियो. तो पहली बात तो ये कि आप वीडियो को जो कि पेज रहता है तो 480 रेजोल्यूशन पे देखा कीजिए, तो क्लियर दिखेगा एकदम. और बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हो. सारे टफ वर्ड्स लर्न करना ज़रूरी है तो आपको समझ में आएगा लेसन का मतलब, ठीक है. आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. पैसेज देखिए दिया गया है. राइट नी थ्री सिली रिमार्क्स मेड बाय द करेक्टर्स अदर देन एलिस. राइट वाई यू थिंक द रिमार्क इज सिली. तो यहाँ पे देखो दिया गया है. नो रूम नो रूम दे क्राइड, इट वॉज सिली बिकॉज देयर वॉज ऑब्वियसली प्लेंटी ऑफ रूम. बहुत जगह थी लेकिन फिर भी वो नो रूम चिल्ला रहे थे. दूसरा क्या है, देयर इज़न्ट एनी सेड द मार्च हेयर. सो इट वॉज सिली बिकॉज ही हैड जस्ट इन्वाइटेड हर टू हैव सम वाइन. तो उसने क्या बोला था, उसने इन्वाइट किया था, फिर भी वो क्या बोलता है कि देयर इज़न्ट एनी, ठीक है, क्या है यहाँ पे कोई. हैव यू गेस्ड द रिडल येट सेड द हैटर. तो ये भी अजीब था बिकॉज इट वॉज सिली बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द आंसर टू द रिडल ही हैड आस्ट. जो उसने रिडल पूछा उसका आंसर वो खुद उसको पता नहीं था, तो ये भी तो नॉनसेंस है ना, सिली है एकदम. तो आंसर देख लो यहाँ पे दिया गया है, क्लियर है एकदम. चलिए आगे देखते हैं. राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू होम. किसने कहा था, किससे कहा था वो. योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग द हैटर टोल्ड एलिस. एलिस से बोला था उसने, ठीक है. किसने बोला था, हैटर ने. नो आई गिव इट अप, आई गिव इट अप, तो मैं गिव अप करती हूँ. ये किसने बोला था, एलिस ने हैटर से बोला था क्योंकि उसने रिडल ऐसा पूछा था. Exactly so, Alice told the March Hare. Have some wine, the March Hare told Alice. March Hare ने Alice को बोला. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है. ओपन एंड क्वेश्चन यहाँ पे है. रीड द फॉलोइंग एंड राइट अ फनी सेंटेंस ऑन दिस पैटर्न. सो यहाँ पे देखो दिया गया है ए का. I mean what I say what I mean, ठीक है. बी क्या है, I see what I eat what I say. तो फनी नहीं है ये, अजीब सा घुमा फिरा के सेंटेंस बोला है. I read what I see what I read, ठीक है. मैं पढ़ता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं पढ़ता हूँ. I mean what I say, मेरा मतलब है जो मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा मतलब है. I see what I eat, मैं देखता हूँ जो खाता हूँ. I eat what I see, मैं वही खाता हूँ जो देखता हूँ. I like what I hear, मैं I like what I hear, मैं जो भी सुनता हूँ, मतलब I like मैं पसंद करता हूँ, what I hear जो भी मैं सुनता हूँ. I hear what I like, तो ऐसे घुमा फिरा के है. तो देखो यहाँ पे बोला गया सिमिलैरिटी बिटवीन अ रेवन एंड अ राइटिंग डेस्क. क्या सिमिलैरिटीज़ है, सो दोनों ही कैसे हैं, बोथ आर स्मूथ टू टच, टच करने में दोनों ही स्मूथ हैं. डिफरेंसेस रेवन और राइटिंग डेस्क में क्या है. रेवन की लाइफ है, जिंदा चीज़ है. राइटिंग डेस्क नो लाइफ, मेड ऑफ वुड, हैज़ अ वॉइस, इधर वॉइस नहीं है डेस्क को कोई. हैज़ अ बीक फेदर्स, राइटिंग डेस्क को नो बीक नो फेदर्स, ठीक है. Has feeling, no feelings, can fly and walk, cannot move, fixed at one place. अब यहाँ पर दूसरा देखो दिया गया है. What did the March Hare want Alice to do? क्या चाहता था कि वो काम करे. वो चाहता था कि वो उसे स्टोरी सुनाए उन लोगों को. What did the Dormouse say when he Open his eyes, write it in your own words. So answer देखो दिया गया है ना.
किसने किससे स्टेटमेंट कहा है वो यहाँ पे दिया गया है। सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, किसने कहा था द मार्च हेयर ने, एलिस से कहा। आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, द हैटर सेड टू एलिस। राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ओपन एंड क्वेश्चन का, देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ, ये आर्स है, एच ओ यू आर एस, टाइम टी आई एम ए, टाइम है, ठीक है। बाकी से तो दिख ही रहा है आपको, ये द है, टी एच ई, ये वैकेशन पता चल रहा है ना। ओके, यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी डाउट और कॉन्सेप्ट पूछे, इसी तरीके से आपको कोई भी वीडियो में इस तरीके से ब्लर दिखाई दे या क्लियर ना हो, सो डोंट यूज़ रूट लैंग्वेज स्टूडेंट्स, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। ओके, सो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सो आपको अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आपको पोलाइटली कॉमेंट करना है कि आपको वीडियोज़ क्लियर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मिस क्लियर नहीं, दूसरा वीडियो बना दो, या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं अभी क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी, शॉर्ट्स में बना के मैं उसका आंसर दे दूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप उसमें पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई भी ऐड आए वीडियो देखते टाइम तो उसे स्किप मत कीजिए, ये हेल्प होगा आपका चैनल के लिए। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी, आप भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके और ऐड पूरा देख के, ठीक है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। आपके सारे सब्जेक्ट के अलग अलग पेज बने हैं, सारे देख सकते हो। किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, ब्लर हो, डाउट हो, पूरा वीडियो ना हो, या कोई वीडियो छूट गया हो, तो आप जस्ट कॉमेंट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लिया कीजिए, ठीक है।